जैसे ही मैं अक्षरा के सपोर्ट में आई थी तो बहुत गालियां मुझे पड़ी थी, बहुत गालियां, मतलब गंदी गंदी गालियां लोग दे रहे थे मुझे। तो तब भी मैं सपोर्ट कर रही थी कि नहीं लड़की है, साथ देना है। लेकिन अब तो मुझे एहसास हो गया ना कि नहीं, लोग जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं उसके बारे में। 4 साल जब तुम रही, 4 साल तक तुमको नहीं लगा कि तुम उनके जीवन में क्या बन के रह रही हो? तुम शादी नहीं होने देती यार, तुम जो तांडव शादी के बाद शुरू की वो तांडव शादी के पहले कर दी रहती। कोई कमी तो नहीं था तुम्हारे जीवन में? सुखी थी, संपन्न थी, तुमने ही बॉन्ड बना के रखा था। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बना हुआ है कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे, हमारा कोई पैसे में कभी लेना देना नहीं रहेगा, हमारी कभी शादी वादी को लेके कोई दोनों में कमिटमेंट नहीं था। चूंकि धोखा जीवन में बहुत खाए थे पवन पहले, तो इनके दोस्ती में आने के पहले दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ है और बॉन्ड भी बना है। पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते को लेकर वीना मानवी ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। चलिए आपको बताते हैं वो खुलासा क्या है। आपको बताते चले कि वीना मानवी ने पवन सिंह और अक्षरा सिंह के रिश्ते पर बात की है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अक्षरा सिंह कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में पवन सिंह के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, उसी के बारे में वीना मानवी यहाँ पर बात कर रही हैं। वीना मानवी ने कहा है कि अक्षरा ने जो भी पवन को लेकर बयान दिया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। मेरा सवाल ये है कि जब तुम जानती थी कि पवन ऐसे हैं तो तुमने पवन के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई, सवाल क्यों नहीं खड़ा किया, लोगों के सामने क्यों नहीं लाया? तुम तब भी एक अभिनेत्री थी, तब भी एक गायिका थी। तुम अगर चाहती तो एक इंटरव्यू में पवन के सारे राज खोल सकती थी, उन पर सवाल उठा सकती थी। जो तांडव तुम अभी कर रही हो, वो तांडव तुम 5 साल पहले की होती तो शायद ज्योति से पवन की शादी ही ना हो पाती, तुम्हारी शादी हो गई होती, आज तुम उनकी पत्नी होती। लेकिन तुमने तब ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि तब तुम्हें पवन और अपने रिश्ते को छुपाना था। वीना मानवी ने कहा है कि पवन सिंह से रिश्ते में आने से पहले ही पवन और अक्षरा का एक बॉन्ड बना था, क्योंकि पवन सिंह ने पहले बहुत धोखा खाया था, इसलिए उन लोगों का एक बॉन्ड बना था जिसमें साफ साफ लिखा था हम दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ काम करेंगे। हम दोनों के बीच में क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन अपने पर्सनल चीज़ों को काम पे कभी नहीं आने देंगे और मामला को शादी तक कभी नहीं ले जाएंगे। हम सिर्फ काम करेंगे, साथ रहेंगे, जो भी चीज़ रहेंगी हमारे बीच रहेंगी, लेकिन ना तो शादी की बात होगी और ना ही रुपए पैसे को लेके कोई इश्यू होगा। काम करने की वजह से आपका जो बनेगा वो आप रखना, मेरा जो बनेगा वो मैं रखूँगी। दोनों अपने अपने हिस्से के काम करेंगे, बाकी हम दोनों के बीच में जो भी है वो हम दोनों तक ही रहेगा। ना मामला शादी तक जाएगा, ना हमारे पैसों पर कोई बात आएगी, सबका हिसाब अपना अपना रहेगा। तो इस तरह का एक बॉन्ड बना हुआ है, ऐसा हम नहीं, ऐसा वीना मानवी ने अपने हाल ही के इंटरव्यू में बयान दिया है। वीना मानवी ने कहा है कि जब पहले से बॉन्ड बना हुआ है तो उसको फॉलो करना ही था, अगर नहीं हुआ तो आप फिर बेचैन क्यों हो गए? वीना मानवी ने कहा कि शुरू से ही तय था कि पवन और अक्षरा की शादी नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद अक्षरा ने इस तरह का काम किया वो गलत है, अक्षरा इस तरह का बयान दे रही है वो गलत है। ज्योति से जब पवन की शादी हो गई, देन अक्षरा को मिर्ची लगने लगी, अक्षरा जहर घोलने लगी उन दोनों के जीवन में। तो जब तुम्हें जहर ही घोलना था तो इससे बेहतर तो ये था कि तुम शादी से पहले ही ज्योति को जाकर सब कुछ बता दो और शादी ही ना होने दो। अगर तुम ऐसा होने दी होती तो आज ज्योति की ज़िंदगी भी बच गई होती और पवन भी इतना बदनाम नहीं होते और तुम भी आज खुश होती। लेकिन जो भी है, अक्षरा की गलती है, अक्षरा शुरू में ये सब नहीं की और बाद में ये सब करके अभी भोली बन रही है, महान बन रही है, तो ये गलत है। तो वीना मानवी ने अक्षरा और पवन के रिश्ते को लेकर ये बड़ा खुलासा किया है। वीना मानवी ने बताया है कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के साथ गलत किया है और अभी जो भी वो इंटरव्यू दे रही है उस पर ध्यान देना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वेल, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।